सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज डल लेक के किनारे इतने बड़े क्षेत्रफल का राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का सौभाग्य हम सबको मिला है। जैसा मुझे बताया गया कि गत वर्षों में भी ये तिरंगा देश के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर फहराया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद इस वर्ष पूरे देश में जिस तरह का उल्लास लोग मना रहे हैं, खासतौर से घर घर तिरंगा अभियान को लेकर के, जम्मू कश्मीर भी मैं समझता हूँ कि देश के किसी हिस्से से आगे बढ़ चढ़ करके तिरंगे का सम्मान भी कर रहा है और तिरंगे को फहरा भी रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने इस अभियान में पूरी तरह से हम सबका सहयोग किया है। और आज़ादी के अमृत कालखंड में मैं समझता हूँ कि हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों और सूरवीरों की स्मृति में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज 75 वर्षों बाद का जो भारत है, आने वाले 25 वर्षों बाद भारत कैसा होगा, इसके निर्माण का संकल्प भी हम सब आज ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 25 वर्षों में जो हमारी नई पीढ़ी है, भारत को और सशक्त और समृद्ध बनाएगी और हम सबको अपने राष्ट्रीय तिरंगे पर सदैव गर्व रहेगा।